एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर फाइव आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दाम जो आपके क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है बट एक्चुअली क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता सो रूल सिंपल फर्स्ट फोर्स माई विडियो ट्राई टू सोल्व बाई योर सेल्फ एंड देन चेक माई मेथड की आप किस मैथड से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे और मैम ने कैसे सॉल्व किया सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फाइव आई जस्ट रेड दिस क्वेश्चन रमेश एंड रीना आर प्लेइंग विथ ट्राइंगल ए बी सी रमेश ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्ट एंगल बी ए सी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है जो बी ए सी को बाइसेक्ट करता है दिस लाइन कट बी सी एट डी ओके बी सी को यहाँ पे डी पे कट किया रीना देन एक्सटेंड ए डी एट पी ठीक है पी तक यहाँ पे उसने इसको एक्सटेंड किया हुआ है इन रेस्पॉन्स रमेश ज्वाइन बी एंड पी रमेश ने बी और पी को ज्वाइन किया रीना देन अनाउंस दैट बी डी जो है बाइसेकट एंगल पी बी ए मीन्स अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा बाइसेक कर रहा है राइट और यहाँ पे भी इसको बाइसेक कर रहा था यह भी इसको बाई सेक कर रहा था फिर यहाँ पे बोला है वॉट आर सरप्राइज टूगेदर रमेश एंड रीना फाइंड दैट बी डी का वैल्यू सिक्स है ए सी का वैल्यू नाइन है डी सी का वैल्यू फाइव है और यहाँ पे डीपी का वैल्यू भी फाइव है बीपी का वैल्यू एट है आपको बताना है यहाँ पे एपी का लेंथ कि एपी का लेंथ कितना होगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ एपी यू नीड टू फाइंड द एडी बिकॉज एडी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एडी प्लस डीपी हो जाएगा आपके पास एपी अब मैंने क्वेश्चन रीड किया सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में यही होता है कि अगर आप डायग्राम बना लो तो आपको क्वेश्चन बहुत क्लैरिटी आ जाती है क्वेश्चन में बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे उसने बाइसेक्ट बोला तो आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है अगर आपको वो प्रॉपर्टी नहीं पता तब आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है कि आपकी जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन जो है जो ए उसने जिस रेशियो में बी एंड सी को डिवाइड किया है वो वही रेशियो होगा जो आपका ए और ए का होगा ये आपकी एंगल बाई की प्रॉपर्टी है means if AD is the angle bisector, if AD is the angle bisector, then AB upon AC ka jo ratio hai will be equal to BD upon DC का रेशो। AB और AC का रेशो, AB मुझे find out करना, AC का रेशो nine, BD का value six और ये हो जाएगा आपके पास five। तो यहां से आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा नाइन इंटू सिक्स द वैल्यू ऑफ ए बी फिफ्टी फोर अपॉन फाइव आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लीजिए अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए टेन पॉइंट एट आएगा अब उसके बाद क्या बोला है उसने बोला था बी डी बाइसेक्ट एंगल पी बी ए नाउ द ट्राइंगल ए बी पी एबीपी में भी बच्चे बी जो है वो आपका एंगल बाईस है आई विल यूज द सेम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल ठीक है तो यहाँ पे भी जो रेशियो आपका बीपी अपॉन ए का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका डीपी अपॉन AD का होगा बीपी की वैल्यू एट है AB की वैल्यू आपके पास कितना है फिफ्टी फोर अपॉन फाइव फाइव ऊपर ले जाते हैं डीपी का वैल्यू फाइव है आपको यहाँ से एडी का वैल्यू मिल जाएगा फाइव से फाइव कैंसिल देखो मैंने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया था मतलब यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिखा था तो फाइव यहाँ पर आकर कैंसिल हो चुका है अब आपके पास एडी की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टी फोर बाई एट तो आपके पास एडी की वैल्यू फिफ्टी फोर बाई एट और डीपी का वैल्यू है आपके पास फाइव आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी एपी का तो एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टी फोर बाई एट कितना हो जाएगा एट सिक्स जा बचेगा यहाँ पे एट सेवन फिफ्टी सिक्स और एट फाइव तो सिक्स पॉइंट सेवन फाइव और डीपी का वैल्यू फाइव तो आ जाएगा इलेवन पॉइंट सेवन फाइव सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर तो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन आई यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाईस सेक्टर दैट मीनस एंगल बाई सेक्टर से जो लाइन ड्रॉ की है वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी बस सिंगल प्रॉपर्टी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्लियर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर सकते हो नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने यहाँ पे रीड किया फटाफट रीड कर लेती हूँ आपको तो वीडियो पॉज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है इस क्वेश्चन में मैं आपको एक वंडरफुल ट्रिक बताने वाली हूँ सेकंड में हार्डली ट्वेंटी सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा

Come to the rest. That means, आपने एक बॉल ड्रॉप किया है वो बाउंस बैक होती है फिर 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 वापस आएगी, फिर जो थी उसका 4 by 5 फिर से bounce back, तो ऐसे करते करते आपको वो वो करनी है जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए अब मैंने सोचा यार रेस्ट में ना आ जाए तो हम वो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट लेवल तक का होगा तो या तो आप इसको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज से सॉल्व कर सकते हो अदरवाइज फॉर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक वंडरफुल सी ट्रिक है आपके पास वो बाउंस बैक कितनी हो रही है फोर बाई फाइव तो अगर आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बोल दो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालना है तो ये हो जाएगा फोर प्लस फाइव फोर सॉरी हाँ ये हो जाएगा आपके पास फोर प्लस फाइव मोड लगा दिया मैंने फोर माइनस फाइव इन टू इनिशियल इन टू इनिशियल हाइट फोर प्लस फाइव नाइन फोर माइनस फाइव मॉड्यूलस लगाए तो वन इंटू इनिशियल हाइट वॉज थ्री तो आंसर तो हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी सेवन मीटर सो स्टूडेंट सोचो कि अगर आपको ये ट्रिक पता है आप Z के इस क्वेश्चन को हार्डली 10 या 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे जितना भी वो बाउंस बैक हो रहा है प्लस उसका मतलब फोर माइनस फाइव इंटू द इनिशियल हाइट तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोल जब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी अदरवाइज तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा आपको यहाँ पे एक सीरीज बनेगी सम ऑफ समाइनाइट सीरीज का आप फॉर्मूला लगाओगे इंटू टू करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा तो यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवन अगेन मैंने क्वेश्चन देखा क्वेश्चन की लेंथ फिर से मुझे थोड़ी लग रही है चलो रीड करते हैं फातिमा फाउंड दैट द प्रॉफिट ऑन बाई बाला डोसा स्टॉल टूडे इज अ थ्री डिजिट नंबर मतलब जितना उसको प्रॉफिट हुआ इट्स अ थ्री डिजिट नंबर तो आई एज्यूम एबीसी

ठीक है आपको बताना है व्हाट वाज द मिडिल डिजिट ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट तो मिडिल डिजिट दैट मींस आपको यहाँ पे बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है अब देखो 100c c तो ये ये हो जाएगा आपके पास 99c कॉमन ले लीजिए 10b 10b कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस का a 198 99 से ये चला जाएगा 2 पे तो c a की जो वैल्यू है ये आपके पास में 2 है राइट right, अब सी को भी आप बी के टर्म में लिख लो तो सी को जब आप बी के टर्म में लिखोगे तो दिस इज थ्री बी माइनस ए को आप इसके टर्म में लिख लो तो टू बीज इक्वल टू टू तो बी बस आपको बी का ही तो वैल्यू निकालना था सो आंसर इज वन सिंपल क्वेश्चन था नंबर्स का ठीक है आपको नंबर्स भले ही क्वेश्चन की लेंथ आपको लग रही थी बट क्वेश्चन वॉज इजियर साइड इफ यू ट्राई इफ इफ यू सॉल्व यू प्रैक्टिस दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन शो द करेक्ट टाइम इंक्लूडिंग ए एम एंडिकल टू किम एक्सेप्ट सिर्फ डिफरेंस है बाकी दोनों की वॉच जो है वो सेम है विच इज स्लोअर देन दिवच किम की वॉच से स्लोअर है फर्स्ट जनवरी को 12 noon पे ये जो वॉच है वो करेक्ट टाइम पे शो की गई

मतलब शो करेगी तो, यहां पे वन आर में थ्री तो, थ्री तो इतने टाइम के बाद में वो सही टाइम मतलब हर एक इतने टाइम के बाद में वो सही टाइम शो करेगी तो अब आप ये देखो कि फर्स्ट जैन से फर्स्ट जून के बीच में कितना टाइम है तो जैन, जैन पूरा है जैन कितनी बार लूज करेगी क्योंकि वो वन डे पूरा लूज करते ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये जो आएगा ये अप्रोक्सिमेट सेवन आवर्स हो जाएगा सॉरी सेवन टाइम्स हो जाएगा आपके पास और आपको दोनों इंक्लूड करना है एम एंड पी तो टू टाइम्स आपका फर्स्ट जनवरी और फर्स्ट जून वाला तो नाइन नाइन टाइम्स नाइन इंस्टांसेस ऐसे होंगे जिसमें वो सही टाइम शो करेगी ठीक है तो दिस वाज़ क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम द जेड 2022 क्यूए सेक्शन सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट फोर क्वेश्चन सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक बटन प्रेस करो एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को फॉर द अपकमिंग वीडियो सो गाइस थैंक यू सो मच स्टे ट्यून बाय बाय टेक केयर